सो अब जब हमने कवर कर लिया है कि कौन सी चार मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से प्रोफेसर्स आपको रिप्लाई नहीं करते, तो अब मैं इस पार्ट में वीडियो के आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से आपने एक अच्छी ईमेल जो है वो कंस्ट्रक्ट करनी है। ये मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू जो है वो समझाऊंगी किस तरह से एक अच्छी ईमेल कंस्ट्रक्ट होती है जिसका इंशाल्लाह आपको प्रोफेसर ज़रूर रिप्लाई करेंगे अगर आप इस तरह से ईमेल कंस्ट्रक्ट करके उनको भेजेंगे। अगर आप यूरोप में या अमेरिका में अप्लाई कर रहे हैं तो मोस्टली इट्स वेरी कॉमन देयर कि आप किसी भी प्रोफेसर को डियर के साथ उसका डेजिग्नेशन, लाइक ही इज़ अ डॉक्टर तो उसका आप डेजिग्नेशन और साथ में आप उनका नाम लिख के उनको मुखातिब कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको डियर के साथ बहुत ज़्यादा फॉर्मल लग रहा है तो आप बेशक रिस्पेक्टेड आगे डॉक्टर और जो भी उनका नाम है वो भी लिख सकते हैं, बट डियर लिखने में भी कोई हर्ज नहीं है। फिर उसके बाद जो पहला पैराग्राफ है उसमें आपने अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन करवा देना है कि आप किस डिपार्टमेंट से हैं और आपका, अगर आप जीपीए मेंशन करना चाहते हैं अच्छा जीपीए, सो आप बेशक मेंशन कर दें कि आपका क्या जो है जीपीए है, और अगर आपने कोई टेस्ट जो है वो आपने दिया हुआ है लाइक जीआरई टोफल वगैरह, अगर उसका अच्छा स्कोर है वो मेंशन करना चाहते हैं तो बेशक मेंशन कर दें। लेकिन फर्स्ट पैराग्राफ में आपने अपना जो है फॉर्मल सा एक इंट्रोडक्शन करवाना है, जो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा बता देना ताकि प्रोफेसर को पता लगे कि आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो ठीक है, वो मैच करता है उस डिपार्टमेंट के साथ। फिर उसके बाद जो सेकेंड पैराग्राफ है उसमें आपने प्रोफेसर को प्रोफेसर की ही रिसर्च के बारे में बताना है, ठीक है। लाइक देखेंगे इस ईमेल में एक बच्ची ने कनाडा के प्रोफेसर को ईमेल की थी और प्रोफेसर ने बहुत ही अच्छा उसका रिप्लाई किया था। तो इसमें एग्जैक्टली उसने ये बताया कि जब वो अपना थीसिस कंडक्ट कर रही थी, अपनी रिसर्च कर रही थी, तो उसको प्रोफेसर के कुछ पेपर्स मिले जो उसने पढ़े और उसको बहुत ज़्यादा उनके काम ने इंस्पायर किया, और एग्जैक्टली वो इस बात में वो सोच में पड़ गई कि इस काम को डिफरेंट तरीके से आगे एक्सटेंड भी किया जा सकता है। और इस सेकंड पैराग्राफ में वो एग्जैक्टली प्रोफेसर के साथ यही डिस्कस करी है कि मैंने आपके कुछ पेपर्स पढ़े हैं जिनमें आपने इस फील्ड में काम किया है और मैं इस फील्ड में रिसर्च को कंटिन्यू करना चाहती हूँ, और उसने कुछ प्रपोज किए हैं मज़ीद पॉइंट्स के हम लोग इस रिसर्च को किस तरह से आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। सो अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, आपने प्रोफेसर का कुछ पुराना काम पढ़ा है और आपको वो बहुत इंस्पायर किया, और अगर आपको लगता है कि उस काम को आगे जो है फर्दर परसू किया जा सकता है, तो आप इसमें वो मेंशन कर सकते हैं। या इसके अलावा अगर आपको पता है कि प्रोफेसर के पास किसी प्रोजेक्ट की फंडिंग है या प्रोफेसर जो है वो ऑलरेडी किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आप उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोफेसर को कह सकते हैं और आप इसमें बता सकते हैं कि आपने कुछ ऐसी रिसर्च कंडक्ट की है जो कि आपको हेल्प आउट करती है कि आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इस प्रोजेक्ट के माइलस्टोन्स को अचीव कर सकते हैं। इवन अगर आपका बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा मैच नहीं भी करता, तब भी आप इसमें प्रोफेसर को कन्विंस कर सकते हैं कि आपके पास कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो कि आपको हेल्प आउट करेंगी इस प्रोजेक्ट में जो है अपनी कंट्रीब्यूशंस देने में। लाइक फर्ज करें, जैसे मैंने जब अप्लाई किया था तो मेरा इतना ज़्यादा कंप्यूटर नेटवर्क्स का बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन मेरी प्रोग्रामिंग स्किल्स अच्छी थी, तो मैंने प्रोफेसर को कहा था कि मेरी प्रोग्रामिंग स्किल्स अच्छी हैं, मुझे डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती हैं, एंड आई एम होपफुल कि मैं जल्द ही जो है, उसके अलावा मेरा मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, मैं डिफरेंट ऑनलाइन कोर्सेज ले रही थी। तो मैंने उनको डिफरेंट इस तरह की बातों से कन्विंस किया था कि मैं जो हूँ वो जल्द ही इस प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दूँगी। सो इसमें आप प्रोफेसर को ये भी बता सकते हैं, इवन कि अगर आपका बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड मैच नहीं करता, तब भी अगर आपको उस फील्ड में इंटरेस्ट है, आप उस फील्ड में अपनी ग्रेजुएट स्टडीज़ को परसू करना चाहते हैं, आप प्रोफेसर को कन्विंस कर सकते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ आपको अपने बारे में ही नहीं लिखना, आपको प्रोफेसर की रिसर्च को लेके अपने बारे में लिखना है कि किस तरह से आप प्रोफेसर को हेल्प आउट कर सकते हैं प्रोफेसर की रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए। सो फिर जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें आप प्रोफेसर को कह सकते हैं, अपनी थोड़ी सॉफ्ट स्किल्स के बारे में मेंशन कर सकते हैं, उसको कह सकते हैं कि उसके लैब में काम करना जो है आपके लिए बहुत बड़ी, आप बहुत ग्रेटफुल होंगे, आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी, आपकी करियर ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और आप उसकी लैब में उसके साथ काम करना चाहते हैं। और साथ में आप उसको मेंशन कर दें कि यू आर अप फॉर एनी काइंड ऑफ इंटरव्यू, और अगर प्रोफेसर को किसी और चीज़ की ज़रूरत है तो वो आपसे कांटेक्ट कर सकता है, आप उसको किसी और डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है तो आप उसको भेज सकते हैं, और अगर वो इंटरव्यू के लिए आपको बुलाना चाहता है तो भी आप अवेलेबल हैं, प्रोफेसर आपसे इंटरव्यू कंडक्ट कर ले। सो आप एक बहुत होपफुल तरीके से इस ईमेल का एंड करें कि यू विल बी वेटिंग फॉर हिज रिस्पॉन्स, सो डैट प्रोफेसर जो है जब भी जैसे ही उसको टाइम मिले, अगर आपकी ईमेल अच्छी कंस्ट्रक्टेड है तो उसको उसके दिमाग में हो कि यू आर वेटिंग
and you are looking forward for a response. So वो आपको जैसे ही उसे टाइम मिलेगा इंशाल्लाह वो आपको ज़रूर रिप्लाई कर देगा. और साथ में आप जो है अपनी CV अटैच करें, और अगर आपका कोई पेपर्स जो है जो कि प्रोफेसर की फील्ड से रिलेटेड हैं और अगर आपने पब्लिश किए हुए हैं या वो एक्सेप्टेड हैं तो आप उनको अटैच कर सकते हैं ताकि प्रोफेसर को पता चले कि आपका जो है रिसर्च कैलिबर अच्छा है, आपने पहले भी रिसर्च कंडक्ट की हुई है, आपने पहले भी पेपर्स पब्लिश किए हैं. और ये बहुत ही एक जो है प्लस पॉइंट है. अगर आपके पास कोई ऑनलाइन लिंक्स हैं जिनके थ्रू ओपन एक्सेस पेपर्स हैं तो आप बेशक लिंक्स शेयर कर दें. और इंशाल्लाह अगर आप इस तरह से ईमेल लिखेंगे तो प्रोफेसर आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे और आपकी ईमेल जो है वो गार्बेज में नहीं जाएंगी. और आपको 50 लोगों को या 100 प्रोफेसर्स को ईमेल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और सिर्फ 5-6 को ही ईमेल करने के बाद आपके पास कोई फुली फंडेड ग्रेजुएट पोजीशन होगी जिसको आप जो है अवेल कर सकेंगे और अपनी ग्रेजुएट स्टडीज़ को परसू कर सकेंगे. सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और आप इसके थ्रू आपको अच्छी तरह से पता लगा है कि किस तरह से प्रोफेसर को ईमेल करनी है, किस तरह से उनको अप्रोच करना है. अगर आपके पास कोई भी आपको क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखें एंड आई वुड बी ग्लैड टू हेल्प यू आउट. इससे पहले मैंने आपको ये भी पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरह से आपने स्कॉलरशिप्स ढूंढने हैं और किस किस्म के स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, वो वीडियो आप इधर देख सकते हैं. और इससे वीडियो से भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी स्कॉलरशिप्स को ढूंढने के लिए. सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो. इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल टू कीप लर्निंग विद नासिर एंड फातिमा. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.